हेलो दोस्तों दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो यूजर्स हैं तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो के फ्री सर्विस हो जाएगी बंद। तो कौन सी ऐसी सर्विस है जो रिलायंस जियो की होने जा रही है बंद, और यह सर्विस से आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो पूरी डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे वीडियो में और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पीके टेक्निकल जोन। मैं पंकज कुमार उम्मीद करता हूं दोस्तों आप यह वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, रिलायंस जियो यूजर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रिलायंस जियो अपने प्लान में हमें अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और डेटा के साथ साथ जियो के जितने भी ऐप हैं, जैसे कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा और भी कई सारे ऐप हैं जियो के, तो उनका भी सब्सक्रिप्शन हमें बिल्कुल फ्री में मिलता है। मगर दोस्तों अब हमें रिलायंस जियो के पॉपुलर ऐप जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो म्यूजिक ऐप फ्री में नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हमें सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। बताया जा रहा है कि कुछ जो कंटेंट होने वाला है जैसे कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा में कुछ प्रीमियम रखा जाएगा, और उस प्रीमियम कॉन्टेंट के लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। यानी कि दोस्तों अब जियो आप लोगों से इन सर्विसेस के लिए चार्ज करने जा रहा है। तो अगर जियो इन सर्विसेज के लिए चार्ज करेगा तो अदर टेलीकॉम ऑपरेटर भी अपने सर्विसेज के लिए चार्ज करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी यह न्यूज निकल कर आ रही है, ऑफिशियल न्यूज नहीं है जियो की ओर से, कि इन सर्विसेज के लिए आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा। तो जैसे ही रिलायंस जियो की ओर से ऑफिशियल न्यूज निकल कर सामने आता है, आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज मिल जाएगा। तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप रिलायंस जियो के कौन से ऐप ज़्यादा यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। इसी प्रकार के टेलीकॉम न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।